तो फाइनली हनुमान फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। तो कैसा ये ट्रेलर आइए बात करते हैं। जहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होगी, जिसकी ये पहली फिल्म होने वाली है। अब बात कर लेते हैं ट्रेलर की। तो हनुमान के ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है इस सीन से, जिसको की अंडर वाटर शूट किया गया है, जो की देखने में काफी अच्छा लगता है। फिर आते हैं कुछ ड्रोन शॉट जो की काफी खूबसूरत नजर आते हैं। लेकिन फिर आ जाता है ये वाला सीन जिसमे की हमारे हनुमान और ये शेर दौड़ रहा होता है। सीन को देखने बाद यह साफ साफ नजर आता है कि इसमें VFX का यूज किया गया है। और फिर हमें हमारे सुपर हीरो यानी हनुमान की शक्तियाँ कैसी होने वाली है उसके बारे में बताया जाता है। और फिर एंट्री होती है इस फिल्म के विलन की, जिसको कि मेरे हिसाब से ट्रेलर में इतना पावरफुल नहीं दिखाया गया है। जी ऐसा लग रहा है कि एक नॉर्मल विलन है, इस विलन को ज्यादा खूंखार नहीं दिखाया गया है। और फिर ट्रेलर के कुछ सीन काफी अच्छे नजर आते हैं, वहीं कुछ सीन्स में साफ साफ पता चलता है कि इसमें VFX का यूज किया गया है। और इस ट्रेलर की सबसे बड़ी खराब चीज ये है कि इस ट्रेलर का BGM मुझे पर्सनली काफी खराब लगा है। आजकल की फिल्मों में अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड म्यूजिक काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इनका BGM मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। लेकिन फिर भी ओवरऑल ट्रेलर ठीक ठाक ही है, ना ही तो इसे बहुत अच्छा है और ना ही ज्यादा बुरा है। ट्रेलर काफी एवरेज सा लगता है। अब देखना यह रहेगा कि यह फिल्म कैसी होती है। यह फिल्म रिलीज हो रही है 12 जनवरी 2024 के मौके पर। और अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस फिल्म के ट्रेलर को दूंगा 5 में से 3 स्टार। और आप भी कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही।